हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दिन है मंडे का, सुबह के बजे में 6 और मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी और अभी बाहर आ गई हूँ। मौसम जो है ना थोड़ा सा बादल वाला हो रखा है और कल रात को भी जो है ना बारिश हुई थी। आंगन में देख ही सकते, पानी जमा हो रखा है और कल मैंने ना अंदर ही कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए। तो बस अभी सीधा आ गई हूँ किचन में और किचन की जो जाली और पर्दे हैं ना थोड़े हटा दूंगी ताकि थोड़ी सी हवा पास होए। और गर्मी है ना, मतलब गर्मी तो है पर 2 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मौसम मतलब गर्मी नहीं है उतनी, बादल वाला मौसम है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और गर्मियों के दिनों में इस टाइप का मौसम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मी थोड़ी कम है तो काम करने की भी एनर्जी मतलब डबल है, अच्छा लगता है। तो बस किचन को जो थोड़ा सा मैंने समेटा है और अब जो है ना फूल तोड़ के ले आई हूँ। और एक टोकरी में जो है ना फूल नहीं आते हैं सारे, इसीलिए मैं 2 टोकरी में ले आई हूँ। एक में मैंने लाल फूल तोड़ लिए हैं और एक में छोटे जो वाइट कलर के और जो होते हैं 1-2 तरीके के फूल, वो मैंने अलग से छोटे टोकरी में ले लिए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा ही फूल उतर रहे हैं ना तो एक टोकरी में नहीं आ रहे थे, गिरते थे, तो इसलिए मैं 2 टोकरी में ले आई। और अभी यहाँ जो है ना अपने लिए और बच्चों के लिए रख दी हूँ चाय, तो चाय भी पक गई है। अभी हम तीनों बैठकर पिएंगे चाय और फिर ना डबल एनर्जी के संग लगेंगे काम पे, क्योंकि कल जो है नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और आज बच्चों को भी मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठा दिया है क्योंकि घर की जो है ना थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं ना, त्यौहार बार ऐसे आता है ना तो ऐसा रहता है थोड़ा जो है ना घर की क्लीनिंग कर ली जाए। तो बस तीनों लोगों के लिए चाय बना ली है और अभी जो है चाय पी लिए थे हम और अब डबल एनर्जी के संग लग जाएंगे कामों में। तो सबसे पहले आ गई हूँ भगवान रूम में और यहाँ की बेडशीट चेंज करूँगी मैं। और बेडशीट जो है सिंगल में लेती नहीं हूँ, पहले भी मैंने बताया है, डबल बेड की ही मैं बेडशीट लेती हूँ और बेडरूम में भी डाल लेती हूँ और इधर वाले रूम में भी यही वाली बेडशीट यूज़ कर लेती हूँ। तो बस वही है, पहले बेडशीट चेंज कर लूँगी। और त्यौहार बार जब आते हैं ना तब ऐसा लगता है कि बेडशीट वगैरह चेंज कर लो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। त्यौहार बार आते हैं ना तो ऐसे क्लीनिंग करने को मन होता है और जब क्लीन हो जाता है ना घर थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी का माहौल ऐसे ही रहता है त्यौहार बार में। और साफ़ सफाई हो जाती है, क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो और थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो वैसे भगवान रूम की बेडशीट चेंज करके मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ अभी और बच्चों को भी मैंने उठा दिया, सबको लगा दिया अपने अपने कामों में आज। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी बाहर के आंगन की और खुशी को मैंने लगा दिया है आज पानी डालने में, तो पौधों में वो पानी डाल रही है और आंगन में भी वही पानी डालेगी। तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ तो वो ना पूरे आंगन में पानी डालेगी और गणेश जी का मंदिर वगैरह जो है सबको वो वॉश कर लेगी। तो ये जिम्मा आज जो है मैंने खुशी को दे दिया है, ऐसे तो डेली मैं ही करती हूँ बट आज जो है ना मैंने बच्चों को भी उठा लिया कि भाई तुम लोग भी लग जाओ काम में, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम है तो बस इसीलिए, ज़्यादा काम क्या डेली वाला ही है तो मैंने बोला कि चलो आज लो तुम लोग भी उठ के करो। तो बस कुर्सी को दे दिया जिम्मा, झाड़ू में लगा दूंगी और वो पानी डाल देगी पूरे ही आंगन में। तो इस तरीके से कभी कभी जो है ना बच्चों को भी कामों में लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खुशी जो है पौधों में पानी दे दी थी और अब जो है आंगन में भी पूरे आंगन में ही पानी डाल देगी। और मौसम जो है आज बहुत ही अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बादल वाला मौसम हो रखा है ना तो और भी अच्छा लग रहा है। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद बाहर के आंगन की, लगा दी थी झाड़ू और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो बेडरूम की भी बेडशीट चेंज करूंगी और क्लीनिंग का डस्टिंग वगैरह सब करूंगी और अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। त्यौहार बार आते हैं ना तो सुबह सुबह मन करता है कि सुबह सुबह ही घर की जो है साफ़ सफाई कर ले, क्लीनिंग कर ले। और सुबह सुबह के 3 घंटे और इतने सारे काम हो जाते हैं ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पूरे दिन तो फिर इतना नहीं रहता, सुबह सुबह ही थोड़े ज़्यादा काम रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ना बेडशीट लगा दूंगी और बेडशीट में मैं ना इस तरीके से चारों कोनों में ना गांठ लगा देती हूँ, नट लगा देती हूँ और फंसा देती हूँ चारों कोनों में गद्दे के जो है ना, फिर अच्छे से बेडशीट लग जाती है और थोड़ा बहुत जो रहता है ना साइड में तो उसको इस तरीके से एडजस्ट करके दबा देती हूँ। तो ये जो है ना बेडशीट बिछाने से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती, एकदम देखो कितनी अच्छे से बिछ जाती है। तो बेडशीट लगा दी, बेडरूम भी हो गया तैयार, झाड़ू लगाना बाकी है। और अब आ गई हूँ सोफ़ा को जो है ना, इसको भी कवर को अच्छे से झड़का कर अच्छे से जो है दबा कर इसको सेट कर दूंगी। पूरे घर को जो है ना अरेंज कर लो उसके बाद झाड़ू लगाओ ना, तो फिर झाड़ू लगाने में आसानी रहती है, दिक्कत नहीं आती। और ऐसे क्या होता है एक एक
झाड़ो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर झड़का, तो ऐसा थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूरे घर की जो है ना एक बार सेट कर लेती हूँ, सारे सामान जो भी अरेंज करने हैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो सारे घर को मैंने सेट कर लिया है और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने से पहले जो भी छोटे मोटे जाले लगे हैं ना गेट के पीछे वगैरह, देखिएगा एक दो दिन में छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, जितना भी आप साफ़ सफाई कर लो वीकली चाहे जितना भी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ना हाथ फेर लूँगी, चारों तरफ ही पूरे घर में छोटे छोटे जो जाले हैं उनको भी झड़का लिया है मैंने, और अब बस लगाऊँगी झाड़ू और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो बस झाड़ू जो है ना बेडरूम से ही लगाना स्टार्ट करती हूँ मैं, तो वहीं से मुझे सुविधा होती है। तो बेडरूम से लगाते हुए हॉल में लगाते हुए ना फिर किचन भगवान वाला रूम होते हुए पीछे वाले आंगन तक जाती हूँ मैं। तो बस पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी, और सुबह सुबह इस तरीके की सफाई हो जाती है ना तो फिर घर में बहुत ही अच्छा, मतलब पॉजिटिव वाइब्स ही आने लगती है, अच्छा लगता है घर में। तो बस त्यौहार बार आने से मुझे ऐसा ही रहता है कि मैं मतलब जो है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी से जो घर की क्लीनिंग कर लूँ। बस झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा मैं नहा ली थी, नहा के पूजा पाठ सब हो गया है और अब आ गई हूँ सीधा किचन में नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा, और सिंपल वाला ही पोहा बना रही हूँ, बस आलू और प्याज डालकर। तो और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, आलू प्याज डालकर मैंने हल्दी नमक डालकर छोड़ दिया था पकने के लिए, और अभी जो है पोहा डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लूँगी। बस सिंपल सा ही पोहा बनाई हूँ और चाय के साथ हम खाएंगे तीनों, मैं और दोनों बच्चे। तो नाश्ता वगैरह जो है ना अपना टाइम पे ही कर लो ना तो वो सही रहता है, काम तो अभी और भी है, ज़रूरी काम है। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे तो घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो मैंने बोला कि पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर करेंगे बाकी का जो है काम। तो बस नाश्ता कर लिया था, बच्चे लोग को भी करा दिया था मैंने और मैंने भी कर लिया था, और अब आ गई हूँ इधर वॉशिंग मशीन के तरफ। तो आज जो है ना कपड़े मैं अभी ही डाल दे रही हूँ, कल के लिए नहीं रखूँगी, नहीं तो क्या होता ना आजकल सुबह डालती थी कपड़े ना, बट मैं आज के आज ही धो लेती हूँ कपड़े और बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। कल के लिए मैं कोई भी काम नहीं रखूँगी क्योंकि कल नवरात्रि स्टार्ट हो रहे थे, सुबह सुबह जो है ना कल भी बहुत ज़्यादा काम रहेगा, इसीलिए मैं आज ही ये काम निपटा ले रही हूँ कपड़ों वाला, कल के लिए नहीं छोड़ूंगी। तो बस जितने भी कपड़े थे सारे मैंने लगा दिए वॉशिंग मशीन में, और बेडशीट जो है ना उसको मैं रख दी हूँ, वो अलग से बाद में धोऊंगी, कपड़ों के साथ नहीं डालूंगी मैं बेडशीट अभी। कभी कभी तो मैं डाल देती हूँ कपड़ों के साथ ही, बस आज कपड़े थोड़े ज़्यादा ही थे तो वॉश बेडशीट नहीं डाली हूँ, रख दी हूँ, बाद में उन डालूंगी। और ये जो कपड़े कल मैंने अंदर ही डाल दिए थे ना शाम को, तो ये सूखे नहीं थे, कुछ थोड़े गीले थे तो इनको मैंने बाहर डाल दिया था। अभी जो ये सूख गए, धूप तो नहीं है बट हल्की हल्की सी रोशनी होती है ना उसी से सूख गए हैं कपड़े। और अब जो है ये था मेरा आज का सबसे ज़रूरी काम, ये आंगन को धोना, गैलरी को धोना। तो यहाँ पर ना दुकान के बहुत सारे सामान रखे हुए थे, आप लोग कभी पिछले ब्लॉग में देखे भी होंगे। तो फिर आज जो है केशव के साथ मिलकर मैंने यहाँ से सारा सामान हटाया है, और आंगन में जो एक रूम दिखता है ना, आप लोग देखो मतलब गौर से देखना कभी कोई ब्लॉग में, कोने में एक रूम है उसी में सारा सामान हमने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना गैलरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस आज मैंने सोचा कि इसको धो ही लेती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करने से साफ़ होने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। तो बस यहाँ पर ना मैं पानी भर के डाल दी हूँ बाल्टी से, और इसको ना अच्छे से वाइपर से वो वाइपर कर दूँगी ना तो जितनी भी धूल मिट्टी है सब साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और ये जो है ना बरिंडा के ये जो गैलरी का जो है ना आंगन जो है ना ये एकदम भी सही तरीके से नहीं बना हुआ है, यहाँ पर देखो जितना भी पानी डालो ये वापस से आकर यहाँ पर जमा हो जाता है, तो इसको ना धक्का मार कर मुझे वाइपर से निकालना पड़ता है, यही थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है, वरना तो डेली ही धो लो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी बनावट जो है ना सही नहीं है इसी कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगी है मुझे पर मैंने जो है आंगन को धो लिया है, गैलरी को अच्छे से, और अच्छे से साफ भी हो गई है। और बाल्टी में जो है थोड़ा पानी और बच गया था तो मैं यहाँ पर पौधों में डाल दूँगी, अभी गर्मियाँ हैं तो पौधों को भी सुबह शाम जो है पानी चाहिए होता है, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, धूप नहीं होने से भी गर्मी जो है ना हवा से भी सूख जाती है मिट्टी, तो पौधों में जो है मैं पानी डाल दूँगी। बस अब ये जो है ना कपड़े लेके बैठ गई, जो मैं अभी उतार के लाई थी वो फोल्ड करूँगी, और ये कुछ कुर्तियाँ हैं मेरी
जो है ना शॉर्ट स्लीव्स की है, ये मैंने रख दी थी, सर्दियों के दिनों में नहीं पहन पाती तो इनको रख दी थी उठाकर। और अभी जो है गर्मियाँ आ गई है ना, तो लॉन्ग स्लीव्स वाली कुर्ती बिल्कुल भी पहनने को मन नहीं करता है। तो ये शॉर्ट स्लीव्स वाली कुछ टी शर्ट और कुर्ती वगैरह जो थी मैं बक्से में से निकाल लाई हूँ। एक तो मैं आज पहन ही ली हूँ जो पहन रखी हूँ वो, तो शॉर्ट स्लीव्स वाली कुर्ती जो है ना गर्मियों में सही रहती है पहनने को, तो बस वही कुछ कुर्ती रखी हुई थी निकाल ली हूँ। और लॉन्ग स्लीव्स वाली जो कुर्ती है उनको भी एक दिन समय निकाल कर उनको उठाकर रख दूँगी बक्से में, जब सर्दियाँ आएंगी ना तब उनको निकालूँगी। और यहाँ पर देखिए कपड़े फोल्ड करते करते मुझे एक खुशी के पैंट से जो है ना पैसे मिले, और इस तरीके से कभी कभी पैसे निकलते ना तो बड़ी खुशी होती है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, पता होता है हमको, बट फिर भी ऐसे निकल जाते हैं पॉकेट से तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस खुशी के ही थे, मैंने बुलाकर उसको दे दिया है, और बाकी के कपड़े जो है फोल्ड कर लूँगी।